हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय प्रताप सिंह, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। गाइस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कई बच्चों की डिमांड थी, कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज करा दीजिए जिसमें सारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज कवर हो, राइट। तो मैंने सीरीज शुरू कर दी, बीच बीच में मैं अपलोड करता रहूंगा। लाइव क्लास तो रात में 10:30 बजे होती है, वो तो होती रहेगी रेगुलर, बट बीच में इस तरह के वीडियोज मैं अपलोड करता रहूंगा ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाए, राइट। तो आज मैं एंग्लो सैक्सन एज के एमसीक्यूज लेके आया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सभी एग्जाम्स के लिए गाइज एंग्लो सैक्सन एज के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। केवल मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं या जिनके आने की पूरी संभावना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं गाइज। जल्दी से टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 7 से 8 अगस्त तक मैं बहुत सारे एमसीक्यूज कराने वाला हूँ और बहुत बेहतर आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, एडेड, डीएसएसबी किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से हमारा पेज है, राइट। टेलीग्राम चैनल है, आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। पेज हमारा फेसबुक पर है, टेलीग्राम इसी नाम से है, तुरंत ज्वाइन कर लें ताकि उसी में मैं सारे वीडियोज डालता हूँ, प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, क्रैश कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर पर 9616947257 पर। अपना नेम सिटी लिखकर व्हाट्सएप कर दें, तुरंत आपको क्रैश कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूंगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, फटाफट आ जाएं। पहला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोयम इन इंग्लिश बियोल्फ इज रिटन बाय। बियोल्फ जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में ओल्ड इंग्लिश में एकमात्र जो रिटन हमें एविडेंस मिला है, पोयम मिली है, वर्क मिला है, वो किसने लिखा है? तो गाइज अननोन, राइट। इसके अभी ऑथर या राइटर का कोई पता नहीं चला है और यही एकमात्र ऐसा वर्क है जो हमें थोड़ा बहुत सही अवस्था में मिला, बाकी सभी डिस्ट्रॉयड हैं, कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है। तो बियोल्फ का जो आंसर है अननोन, राइट। अगला देखें, द मॉन्स्टर ग्रेंडल अपियर्स इन द पोयम। जो मॉन्स्टर ग्रेंडल है किस पोयम में अपियर हुआ है? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? बियोल्फ इज द राइट आंसर, बियोल्फ में अपियर हुआ है, ठीक है। द थ्री ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी। जो तीन ट्राइब्स आई थी इंग्लैंड में मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी में, एंग्लो सैक्सन्स जिन्हें आप कहते हैं, ये कहां से आई थी, ये कौन सी ट्राइब्स थी? तो जर्मनिक ट्राइब है, ठीक है। ये सभी कौन सी? जर्मनिक ट्राइब्स थी और जर्मन में एक सैक्सोनी नामक प्लेस था, वहीं से आए थे, इसीलिए एंग्लो सैक्सन्स बोला जाता है। मतलब बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पेड बैच में पढ़ा रखे हैं, वहां आप लोग देख सकते हैं। तो अभी आपको ये देखना है जो एंग्लो सैक्सन और जूट जो थ्री ट्राइब्स की बात हो रही है, ये कहां से आए थे, ये कहां से आए थे? जर्मनी, जर्मनिक ट्राइब्स कहलाते हैं ये। विच जर्मनिक ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी। देखिए इसी की बात अभी मैं पीछे कर रहा था, विच जर्मनिक ट्राइब्स केम टू इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी। तो जूट्स भी आए, एंगल्स भी आए, सैक्सन्स भी आए, सी है बोथ, तो बोथ हो जाएगा, यानी जूट्स एंड एंगल्स भी थे, सैक्सन्स भी थे। एंगल और सैक्सन्स बात तक रहे, जूट बहुत पहले चले गए थे, राइट। और एंगल के ही नाम पर, एंगल के ही नाम पर एंगल लैंड इंग्लैंड पढ़ा था, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा रखी हैं। योर आंसर विल बी सी, जूट्स, एंगल और सैक्सन्स ये सभी आए थे, ठीक है, बोथ हो जाएगा। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ अवर इंग्लिश लर्निंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ अवर इंग्लिश लर्निंग? तो बीड इज द राइट आंसर, बीड इज कॉल्ड फादर ऑफ अवर Our English learning is the right answer. अगला देखें, Who wrote Ecclesiastical History of English People? ये भी मैंने already पढ़ा रखा है, Ecclesiastical History of English People, जिसमें पूरे evidence मिले हैं, तो किसका ये work है? Bede का ये work है। और ये सब याद रखिए बेटा, अगर Anglo Saxon से, Anglo Saxon period से, Anglo Saxon period से अगर questions आते हैं, तो ये सारे work बहुत ज़्यादा important हैं। Who wrote Paraphrase? ठीक है, बहुत ही important work है, Paraphrase. Who wrote? राइट right, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किडमैन इज द राइट आंसर, किडमैन रोड फेराफेरस, यस ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखें, द डिडैक्टिक पोएम क्रीस्ट इज रिटन बाय। द डिडैक्टिक पोएम क्रीस्ट इज रिटन बाय, ये मैंने ऑलरेडी कराया है, क्रीस्ट इज रिटन बाय, तो इसका भी आंसर हो जाएगा साइन वुल्फ इज द राइट आंसर, साइन वुल्फ, बीड, ये सब आप लोग किडमैन ये सब याद रखिए बेटा, इनके वर्क्स याद रखिए, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो डिड एक्टिक पोयम क्राइस्ट इज रिटन बाय, साइन वुल्फ इज द राइट आंसर। अगला देखें,
हु ट्रांसलेटेड बीड्स हिस्ट्री इंटू इंग्लिश इन एंग्लो सैक्सन पीरियड, किसने ट्रांसलेट किया बीड्स हिस्ट्री इंटू इंग्लिश इन एंग्लो सैक्सन पीरियड को? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? किंग अल्फ्रेड। ये नेम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? किंग अल्फ्रेड इज द राइट आंसर। अगला देखें, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश सैक्सन क्रॉनिकल्स? क्रॉनिकल वर्ड आते ही आपके मन में जो आंसर आएगा वो किंग अल्फ्रेड ही गाइस आएगा। तो हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश सैक्सन क्रॉनिकल्स? किंग अल्फ्रेड इज द राइट आंसर। अगला देखें, अल्फ्रेड बिकेम द किंग ऑफ वेसेक्स। जो अल्फ्रेड है वो बने किंग वेसेक्स के, कब बने? 871 में गाइस बने, 871 में ये किंग बने, ठीक है? मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में मेमोराइज करा पाऊं आप लोगों को, राइट? हेरोल्ड द लास्ट ऑफ द सैक्सन किंग डिफीटेड इन, जो हेरोल्ड था लास्ट, जो सैक्सन किंग था वो हारा था, हराया गया था, बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में हराया गया था, ड्यूक विलियम ने हराया था इसको, राइट? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ठीक है? ए विल बी द राइट आंसर, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देखिए आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया अगला, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हेरोल्ड को ड्यूक विलियम ने हराया था और एंग्लो नॉर्मन्स आ गए थे, एंग्लो सैक्सन्स को खत्म करके नॉर्मन्स आ गए थे यहाँ पर। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अगला देखें, इज कंसीडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, किसको कंसीडर किया जाता है नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड के रूप में? तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? बियोल्फ, डेफिनेटली बियोल्फ इज द राइट आंसर। बियोल्फ को कंसीडर किया जाता है नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि यही एकमात्र सोर्स है जो ओल्ड इंग्लिश को जानने में थोड़ा हमारी हेल्प करता है। इसके नाम से एक मूवी भी है, आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं गाइस, ठीक है? अगला देखें, पैगन लिटरेचर, जो पैगन लिटरेचर है क्या मतलब है? बिलीव इन क्रिश्चियनिटी बिल्कुल गलत, बिलीव इन गॉड बिल्कुल गलत, डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन, डू नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन, ठीक है? तो पैगन लिटरेचर का यही मतलब होता है, ए विल बी द राइट आंसर। टाइम लाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन इज, जो टाइम लाइन है एंग्लो सैक्सन की है, क्या है? 450 to 1066 है, ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखें, हु रोट द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स एंड एलेंस, हु रोट द फेट्स ऑफ द एपोस्टल एंड एलेंस, राइट? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन वुल्फ इज द राइट आंसर। साइन वुल्फ रोट द फेट्स ऑफ द एपोस्टल एंड एलन, ये आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है? अगला देखें, बियोल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ, बियोल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अ मॉन्स्टर एंड किंग, अ बर्ड एंड किंग, पीपल एंड किंग, या नन, बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्स्टर एंड किंग, ठीक है? मॉन्स्टर एंड किंग इज द राइट आंसर। जो बियोल्फ है ये बेस्ड है किस स्टोरी पर? मॉन्स्टर एंड किंग पर, ठीक है? तो याद रखिएगा ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखें, विच इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सन बिब्लिकल पोएम, राइट? कौन सी है ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सन बिब्लिकल पोएम? तो एक्सोडस इज द राइट आंसर, ठीक है? ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है? ए विल बी द राइट आंसर, एक्सोडस इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सन बिब्लिकल पोएम, ठीक है? ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखें, बीड रोड द एक्लिजियास्टिकल हिस्ट्री इन, जो बीड ने लिखा एक्लिजियास्टिकल हिस्ट्री इन, ये किस में लिखा? फ्रेंच में लिखा, ग्रीक में लिखा, इंग्लिश में लिखा, लैटिन में? तो गाइज लैटिन में लिखा, एक्लिजियास्टिकल हिस्ट्री जो लिखी गई वो लैटिन में लिखी गई, ए विल बी द राइट आंसर। तो कम समय में जो मैंने ये एमसीक्यूज कराया डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो, तो इसी तरह के और भी एमसीक्यूज मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।